मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको टूरो मैनुअल पैडी ट्रांसप्लांटर के बारे में टेक्निकल जानकारी दूंगा और इसे फील्ड में भी आपको चला के बताऊंगा। ये मशीनरी में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा और छोटों किसानों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है। छोटे किसान इसको आसानी से खरीद सकते हैं और अपने खेतों में काम कर सकते हैं। आइए इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये देखिए टूरो दो लाइन वाला हमारा मैनुअल पैडी ट्रांसप्लांटर है। इस मैनुअल ट्रांसप्लांटर में देखिए हैंड ऑपरेटेड है, हैंड से हमें इसको ऑपरेट करना है। इसकी जो ड्राइव मिल रही है चेन ड्राइव हम लोग दे रहे हैं। इसके पीछे की तरफ मुख्य भाग इसके जो होते हैं वो ये हमारे फिंगर होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसके ये मुख्य भाग ये हमारे फिंगर है, ये वाले इनसे नोज से ये पकड़ता है। ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये वाले हिस्सा ये पूरा ये टू है। एक फिंगर ये है, एक फिंगर हमारा ये है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर फिक्स है। 30 सेंटीमीटर के अनुसार ये क्या करेगा, यहाँ पर ये पौधों को ज़मीन में लगा दिया जाएगा। सबसे नीचे हिस्से में फ्लोट लगा है, फ्लोटिंग फ्लोट लगा हुआ है। इस फ्लोट की सहायता से ये मिट्टी में और पानी पर तैर कर चलता है, स्किट होकर चलता है। ऊपरी वाला हिस्सा अगर हम लोग देखें तो नर्सरी को रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर देखिए आगे की तरफ आइए, इस वाले हिस्से पे नर्सरी को रखा जाता है। नर्सरी को एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर नर्सरी की लंबाई कम ज़्यादा हो तो भी इस पूरी प्लेट को, दोनों साइड की प्लेट को एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। और ये स्लाइड है, ऊपर भी हो सकती है और साइड में भी स्क्रू की सहायता से यूज़ हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि इसमें नर्सरी को कैसे डाला जाता है। नर्सरी को डालने के लिए अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास नर्सरी है, देखिएगा नर्सरी को डालने के लिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी नर्सरी तैयार हुई है उसकी जड़ों को पूरा तरह पानी से धोना पड़ेगा। उसमें मिट्टी नहीं होने लगी होनी चाहिए, जड़ों को पूरा का पूरा वॉश करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर रखना है इस तरह। अगर नर्सरी की लंबाई ज़्यादा हो रही है तो आप नर्सरी को आगे से काट सकते हैं। पर ध्यान रखा जाए कि नर्सरी को हमेशा जड़ों को साफ करके ही इस पर रखना है, मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। देखिए अब ये काम कैसे करते हैं, अगर हम लोग इसको देखें, आइए इसने पकड़ना शुरू किया और यहाँ छोड़ना शुरू किया, आसानी से पकड़ रहा है। मैं इसका डेमो आपको फील्ड में भी दूंगा। अभी इसका मैनुअल करके मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो देखिए किस तरह ये पैडी को पकड़ रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए इस साइड वाले को देखिए, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये जैसे दोनों साइड से ये इसको इस वाले हिस्से को पकड़ रहा है। देखिए ये ठीक है, कट कर दो इतने मुझे बता देना। अब मैनुअल टूरो पैडी ट्रांसप्लांटर है तो इसके मेंटेनेंस के बारे में हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या खराबियां आती है और क्या ये काम करता है। इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता और इसमें कोई खराबियां नहीं आती। इसकी मुख्य खराबी जो आती है वो अगर आप यहाँ देख रहे हो, देखिए यहाँ पास में देख रहे हो, तो ये जो रोटेटिंग आर्म लगी हुई है, फिंगर लगे हुए हैं, तो उसके आगे देखिए एक रबड़ का बूट लगा हुआ है, रबड़ के गुटके लगे हुए, सबसे ज़्यादा ये गुटके खराब होते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसकी कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग दो सेटिंग है, इसको पूरा प्लांटिंग बोर्ड को आगे और पीछे करने के लिए सेटिंग है। नॉर्मल तौर पर चेन ड्राइव यहाँ पर दी हुई है, इस पॉकेट दिए हुए हैं, आप चेन पे हमेशा कंटिन्यू ऑयलिंग करते रहें। और इसमें देखिए ये बुश दिए हुए हैं, ये जो बुश दिए हुए हैं इन बुशों पर भी आप हमेशा क्या करें, ऑयलिंग करके रहें।
ये देखिएगा। इसके अलावा इसमें और कोई मेंटेनेंस चार्ज या मेंटेनेंस का खर्चा नहीं। टूरो मैनुअल राइस ट्रांसप्लांटर के फायदे क्या क्या हैं देखिएगा। छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी मशीन है, छोटे किसान इसको आसानी से खरीद सकता है। इसकी जो प्राइस है वो 15,000 से लेके 25,000 रुपए के बीच में आती है दो लाइन वाले पैडी ट्रांसप्लांटर की। इसके बाद इसका जो वेट है वो लगभग 15 kg से लेके 25 kg के बीच में आता है। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो जो एरिया कवर करती है ये लगभग 6 से 7 घंटे में 1 एकड़ एरिया कवर कर देती है। व्यक्ति के चलने के ऊपर रहता है, व्यक्ति जितना इस पर चल पाएगा उतना ये काम करेगी। मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता, ये जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। मैनुअल टू रो पैडी ट्रांसप्लांटर की कुछ विशेषताएँ थी तो कुछ इसके नुकसान भी है। हम वो देखेंगे कौन कौन से इसमें घाटे हैं या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले इसमें नर्सरी को हमेशा धोकर ही लगाया जा सकता है, आपको हमेशा नर्सरी के जड़ों को मिट्टी से साफ करके लगाना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि खेत हमारे समतल होने चाहिए, जिस खेत में भी आप लगा रहे हैं वो खेत हमारे समतल होने चाहिए। खेतों में अधिक पानी नहीं भराना चाहिए, एक डिसएडवांटेज और है कि एक साथ ये लगभग 3 से लेकर 5 पौधे लेती है। जब इसको चलाएंगे फील्ड में 3 से लेकर 5 पौधों को लेगी। और अगर हम लोग देखें नर्सरी की और अगर हम लोग देखें बस इतना ही है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी, इसे मैं फील्ड में चलाकर आपको डेमो दूंगा। इसी में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये फील्ड में जाके काम करता है। ठीक है, आज आपको टू रो मैनुअल पैडी ट्रांसप्लांटर के बारे में जानकारी दूंगा। टू रो मैनुअल ट्रांसप्लांटर से हम लोग कैसे नर्सरी पहले ये होता है कि इसमें नर्सरी कौन सी टाइप की लगाई जा सकती है। तो नर्सरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम दो तरह की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पहली नर्सरी ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं और दूसरी नर्सरी नॉर्मल तौर पर हम लोग जो किसानों के यहाँ होती है। अभी क्या करना है, जो नॉर्मल तौर पर किसानों के यहाँ नर्सरी होती है उस नर्सरी को उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद इसकी नीचे वाली जड़ों को पूरा का पूरा पानी में धोना है, पूरा एक एक जड़ों को धोना है। धोने के बाद पूरा एक सा करने के बाद देखिएगा, ठीक है, देखना है इसमें इस मशीन में इस कंडीशन में आपको इसका रखना है। अगर नसली की ऊंचाई ज़्यादा हो रही है, तो आप इस नसली को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके भी आप इसको लगा सकते हैं। फील्ड के लिए फील्ड में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए आसानी से, और पडलिंग करनी पड़ती है उनको मशीन से चलाने के लिए। अब मैं इसको ऑपरेट करके बताता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट करती है। जिस तरह यह मशीन काम कर रही है, मैनुअल टाइप ब्रोकन टाइप टू रो प्लांटर की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 6 से 7 घंटे में 1 एकड़ एरिया कवर करते हैं। 7 घंटे आपको इसको चलाना पड़ेगा। साथ में इसकी जो प्राइस है वो 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में आती है। और ये तो इसके फायदे हो गए, आप देखिए क्या होगा, घाटे क्या होते हैं इसके किसान जब इसको लेता है। तो सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि फील्ड में पानी ना हो। पानी अगर होगा तो मशीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। एक साथ 3 से 4 पौधे ज़्यादा लेती है, इसलिए आपको रोपा भी ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा।